नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। शिक्षा सभी का अधिकार, कोई न हो इससे वंचित। इसी की तर्ज पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग और सौंपा ज्ञापन। भीम आर्मी भारत मिशन हनुमानगढ़ द्वारा राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन व पीड़ीगुंगा में दर्ज मुकदमों पर कार्रवाई की मांग को लेकर तहसील अध्यक्ष इकबाल खान के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि भारत एकता मिशन भीम आर्मी की ओर से बहुजन उत्थान कार्यक्रम के तहत बहुजनों व महिलाओं का शोषण करने वालों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। इसी के तहत पुलिस थाना पीड़ीगुंगा में SC ST प्रकरण 275/20/21 व पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन 331/2021 में आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने से भीम आर्मी है खफा। पुलिस प्रशासन गंभीरता से इन दोनों मामलों में कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके कारण दोषी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। दोनों ने बताया कि 45 ओम प्रकाश के घर जबरन घुसकर अनुसूचित जाति की बच्चियों के हाथ से किताबें छीनकर उनके साथ गाली गलौज करने के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की है। दोषियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। तहसील अध्यक्ष इकबाल खान ने बताया कि शिक्षा सभी का अधिकार है और इस अधिकार को छीनने के उद्देश्य से कुछ असामाजिक तत्व ऐसी हरकतें कर रहे हैं। भीम आर्मी एकता मिशन के सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने पुरजोर यह मांग कलेक्टर से की है। आइए आपको सुनाते हैं कि भीम आर्मी के सदस्यों का इस संबंध में क्या कहना है, सुनिए। आज हम इस मांग को लेकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारे जिले भर की जो पुलिस है, जो SP महोदय नहीं बैठी है, ये कोई भी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मांग को लेकर हमारे 3 ऐसे मामले जो SC ST के अभी तक पेंटिंग पड़े, नहीं तो उन पर मुजरिम गिरफ्तार हुए हैं, नहीं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी निकम्मी पुलिस है जो हम दिनों दिन यहाँ पर जाते रहते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं करते। आज भीम आर्मी के बैनर के नीचे हमने ये ज्ञापन लगाया है कि जो SC ST का एक तो 275 नंबर FIR है, एक 331 नंबर FIR है, इन पे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं होती है, तो आने वाले चंद दिनों के अंदर भीम आर्मी के नेतृत्व में हम SP कार्यालय का घेराव करेंगे। जय भीम, जय भारत। अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षा से वंचित जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं उनको न्याय किस तरह कलेक्टर के स्तर से दिलवाया जाता है। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।